हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन आई वेलकम यू ऑल एडूवर्स न्यूज एनालिसिस इज़ थर्ड जून 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर सो लेट्स सी व्हाट इम्पोर्टेंट न्यूज वी गॉट टू इट डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पीडीएफ जॉइन टेलीग्राम चैनल एडूवर्स न्यूज एनालिसिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है मेक योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो so देट सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना ना फर्स्ट न्यूज

एक पैसेंजर ट्रेन दूसरे ट्रैक में जाकर गिर जाती है और जब वो दूसरे ट्रैक में जाती है तो तीसरी यहां से जो आपकी गुड एंड सर्विस जो ट्रेन होती है वो आती है जिसके कारण वो भी यहाँ पर क्या होती है कोलाइड हो जाती है अब तक का देखिए ये डेटा हम देख रहे हैं तो इसमें थ्री फिफ्टी जो पीपल्स हैं वो बता रहे हैं कि इंजर्ड है और सेवेंटी जो पीपल्स से हैं उनकी यहां पर जान जा चुकी है तो देखिए बहुत ही दुखद घटना है आपके सामने यहाँ पर आई है अभी कहा हुआ है उड़ीसा में हुआ है उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बहनागा रेलवे स्टेशन तो आपको याद रखना कहा बहनागा रेलवे स्टेशन में ये सारी चीजें यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है ये पूरा हुआ है अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आता है ये यहाँ पर पूरा इंसिडेंट होता है तो इससे रिलेटेड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती है हम क्या देखते हैं कि जो रेलवे में रेलवे है हमारा रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये टॉपिक हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ऐसे इंसिडेंसेस होते क्यों हैं देखिए यहाँ पे ट्रेन कोलाइड हुई उसके कारण हमें देखने को मिलता है कि थ्री फिफ्टी पीपल्स यहाँ पे इंजर्ड है और ये जो डेटा है ये नंबर है अब तक और ज्यादा बढ़ चुका है और सत्तर लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान हुआ है अब देखिए यहाँ पे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रीजन हम यहाँ पर देख सकते हैं लैक ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पर क्या होता है कि जो रेलवे स्टेशन में सिर्फ इस इंसिडेंट्स की बात नहीं करी और भी बहुत ज्यादा जो इंसिडेंट्स होते हैं यहां पर होते हैं रेलवे स्टेशन में हमें देखने को मिलते हैं पहला यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है क्या लैक ऑफ एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू एक ट्रैक है यहाँ पर ये ट्रेन का एक ट्रैक हो गया अब एक ट्रैक में कई सारी यहां पर चलती हैं बट यहाँ पे एक टाइम लिमिट होती है कि मतलब इस टाइम पे एक टाइम का गैप दिया जाता है जिसके कारण हमें यहाँ पे पता चल सके कि कब कौन सी ट्रेन आ रही है जिसके कारण यहाँ पे जो ट्रेन है वो कोलाइड ना हो बट समटाइम्स क्या होता है जो ट्रेन लेट हो जाती हैं या तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे कोलिजन हो जाता है ट्रेन आपस में क्या हो जाती हैं कोलाइड हो जाती हैं तो यहाँ पर हम क्या होता है कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम होता है टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि सेंसर होता है कि ट्रेन पे यहां पर अगर कोई ट्रेन यहाँ पे आपस में मतलब कि उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है तो वहां पर हम क्या कर कर वो सेंसर को दें वहां पर लगा दे, पुट कर दे, कि हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर ट्रेन कोलाइड होने वाली है तो उससे पहले ही रेड सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर देख, कमी देखने को मिलती है दूसरा यहाँ पर क्या है आपका स्टार डेफिशिय क्या स्टाफ डेफिश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि की है, तो जब और कब यहाँ प्रोवाइड करना है तो इसकी यहाँ पे क्या होती है हमें कमी देखने को मिलती है जिसके कारण हमें ये इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं ओके यहाँ पे जो ट्रैक्स है इसका इन अप्रोप्रिएट जो मेंटेनेंस है इसके कारण भी हमें क्या देखने को मिलता है जो इस तरीके के ट्रेन एक्सीडेंट्स है वो हमें फेस करने पढ़ते हैं अब इसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम देखिए कई बार क्या होता है कि आपने ट्रेन एक्सीडेंट्स में ये भी सुना होगा कि जैसे ये ट्रेन चल रही है और सामने से यहाँ पर कोई एनिमल आ गया है ना तो उसकी भी यहाँ पर क्या हो जाती है डेथ हो जाती है हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस आपने देखे होंगे कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी यहाँ पर क्या हो जाती है डेथ होती है तो इनसे बचने के सॉल्यूशन क्या हो सकता है है ना तो सॉल्यूशन की बात करते पहले हम बैरिकेड्स का यूज कर सकते हैं क्या एक बैरिकेड्स का यूज कर सकते हैं मतलब आपका जो रेलवे ट्रैक है तो इसके आसपास के एक बैरिकेड लगाया जा सकता है जिसके कारण जो आ, एनिमल्स हैं या फिर कोई अदर चीजें वो यहां पर ट्रैक पर ना आए जिसके कारण ये इंसिडेंसेस ना हो दूसरा यहाँ पर जो एंटी कोलिजन सिस्टम है सेंसिंग रिमोट है उसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया जा सकता है हमारी ट्रैक्स में जिसके कारण हमें पता चल जाए आप यहाँ पर रेड लाइट सिग्नल होता है एक टाइम लिमिट होती है मतलब कि एक टाइम गैप होता है दो ट्रेन के बीच में कि इस टाइम पर इतनी ये ट्रेन आनी है दूसरे टाइम पर ये ट्रेन आनी है अगर यहाँ पे टाइम चेंज होता है तो पहले से ही यहाँ पर मैसेज मिल जाए सिग्नल मिल जाए ट्रेन को ओके तो ये कुछ चीजें हम करके क्या कर सकते हैं इन तरीके की जो इंसिडेंट्स होते हैं

कुकी एंड नागा और दूसरी आपकी आती है मीति कम्युनिटी तो मीति कम्युनिटी के लोग जो हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाए एस स्टेटस प्रोवाइड किया जाए ठीक है यहाँ पे क्या दिया जाए देखिए नाइनटीन से पहले जब यहाँ पर मणिपुर का मणिपुर इंडिया में मिलता है उससे पहले नाइनटीन में क्या होता है जो मीथी कम्युनिटी के पीपल होते हैं उन्हें एस ये स्टेटस प्रोवाइड किया जाए क्यों क्योंकि उनकी उन्हें 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 लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है, दीरे -दीरे क्या? और जो है वो डिग्रेडेड हो रही है उनका कल्चर है उनकी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे वो क्या हो रही है यहाँ पर कम हो रही है तो इसी के चलते वो डिमांड करें कि उन्हें एस स्टेटस प्रोवाइड किया जाए ठीक है अब एंड कुकी ट्राइब इसके स्ट में हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है ऑलरेडी अगर हम नंबर्स में देखें तो पॉपुलेशन में जो नंबर है मीती कम्युनिटी के जो पीपल हैं, उनका नंबर सिक्सटी फोर परसेंट आता है मणिपुर में ठीक है 64 परसेंट आता है और नागा एंड कोकी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम आता है तो ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें एस स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है तो जो रिसोर्सेज होंगे लैंड होगा उन पर इन पर आ, इनका भी क्या हो जाएगा कब्जा हो जाएगा एक तरीके से और हमारे ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएंगे रिसोर्सेज का क्रंच होगा तो इसी के चलते यहाँ पर पूरा यहाँ पर सिचुएशन चल रही है तो इस आर्टिकल को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इज गुड एंड बैड अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है अगर हम इसका यहाँ पर देखते हैं एक चीज होती है जैसे कि इसमें बताया गया आपका कुछ डेटा होता है इमेज होती है वीडियो होता है आपका ऑडियो होता है तो ये बहुत सारी जो चीजें होती हैं वीडियो ऑडियो को, कोई भी कंटेक्सट होता है तो उसका हम क्या करते हैं एक एनालिसिस करते हैं या फिर हम एक क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर इमेज क्रिएट कर लेते हैं उसका पूरा एनालाइज करते हैं ठीक है किसके थ्रू करते हैं कंप्यूटराइजेशन के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू हम यहाँ पर जो डेटा होता है इमेज होता है ऑडियो uh, होता है वीडियो होता है उसका हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं किसके थ्रू कंप्यूटर के थ्रू तो यहाँ पर और हम इसको क्या करते हैं ऑल पॉसिबल मैनर जो है वे है तो उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कम्प्यूटर में क्या करें इंटेलिजेंस को पुट करें क्या करें हम इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस को पुट करें जिससे कि हम इन अ बेस्ट पॉसिबल वे और मैनर में चीजों को क्या कर सके सामने लेकर आ सके और उस चीज से अवेयर हो सके तो यहां पर हम क्या करे एक इंटेलिजेंस को पुट कर रहे हैं किसमें तो जिसके कारण यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा कि मतलब जैसे कि हमें कि ये पर्टिकुलर कोई इमेज है तो इस इमेज में हमने क्या कर दिया थोड़ी और जो आपका कंप्यूटराइजेशन है ये सारी चीजें हैं उसमें हमने और ज्यादा क्या कर दिया इंटेलिजेंस को पुट कर दिया मशीन में जैसे अगर हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन का मेन काम क्या हो जाता है यस और नो में आंसर करना कि हमने उससे पूछा कि ये पर्टिकुलर इमेज इस चीज से रिलेटेड है या नहीं तो वो आपको सिर्फ कितना बताएगी हाँ ये पर्टिकुलर जो चीज है वो इससे रिलेटेड है या नहीं यस और नो दो चीज आ जाती है बट हमने इसमें और क्या कर दिया एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस को पुट कर दिया जिससे कि हमें क्या मिल जाए उसका एक्स्ट्रा नॉलेज यहां पर मिल जाए तो उसे हम कहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ हमें फायदे भी होते हैं और कुछ यहां पर नुकसान भी होते हैं फायदे की बात करते हैं प्रॉफिट क्या हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हो सकता है हमने यहाँ पर देखा आपका क्या आ गया ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं आपका चैट जीपी आ गया है चैट बुट में मेक इंटेलिजेंस वेरी वेल टूडे इज हैज बिकम सिनोनोमियस विद द एबिलिटी ऑफ जनरेटिव ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट लार्ज तो अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं पहले हम पॉजिटिव डिस्कस करते हैं पहला पॉजिटिव क्या हो गया पहले पॉजिटिव की बात करते हैं आप हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा जो पेशेंट्स है उसका पर्टिकुलर जो डेटा होगा वो यहाँ पर अवेलेबल होगा और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस में आप बात कर सकते हैं किसकी रोबोट की इस टाइम पे क्या हो रहा है रोबोट्स का बहुत ज्यादा यहां पर यूज हो रहा है तो एक तरीके से अवेलेबिलिटी यहाँ पर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन जो अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो बट जो रोबोट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करके क्या कर सकते हैं अवेलेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है सेकंड हम बात करें जिसकी यहाँ पे चैट जीपी है ठीक है चैट जीपीटी से हम यहां पर जो है और आपका यहां पे चैट बूट है मिमिक है इन सारी चीजों का यूज करके क्या कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है एजुकेशन सेक्टर को और ज्यादा क्या कर सकते हैं हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं थर्ड हम बात करते किसकी एग्रीकल्चर में अब देखिए एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस हो जाती है जैसे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके कारण हम कब यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होने वाला है कैसा नहीं तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें क्या कर सकते हैं इंप्रूवमेंट ला सकते हैं हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है किस टाइम पर हमें कैसी जो खेती है वो करनी है तो इन सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं फोर्थ अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी इकोनमी होती है एमएसएमई सेक्टर है गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इन सारी चीजों में भी हम क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं फिफ्थ हम बात करते हैं किसके डिफेंस सिस्टम में आप यहां पर डिफेंस सिस्टम में हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज किया जा सकता है ओके तो हमने ये बात करी किसकी पॉजिटिव्स की अब इसके कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं नेगेटिव्स की बात करते हैं क्या क्या नेगेटिव इसमें नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है आप सबसे बड़ा नेगेटिव देख सकते हैं क्या हैकिंग आपके लिए जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो नेगेटिव है वो क्या आ जाता है? हैकिंग आ जाती है कि यहाँ पर क्या हो जाता है जो हमारा डेटा होता है उसको अब देखिए अगर इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं हर एक चीज के यहाँ पे पॉजिटिव्स भी होते हैं नेगेटिव्स भी होते हैं तो नेगेटिव की बात करते हैं तो हैकिंग आपका सबसे बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है उसके बाद हमने डीप फैक्स यहाँ पर क्या आपके जो डीप फैक्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है आपकी जो फेक इमेज बनाई जाती है आपके यहाँ जो फेक मेमिक्री है आपकी जो फेक वॉइस है उसको यहाँ पर यूज किया, किया जाता है उसको यहाँ पर जनरेट किया जाता है पोर्नोग्राफी में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो डीप फेक्स यहाँ पर इसके जो केसेस हैं हमें यहाँ पर बताया जा सकता है यहाँ पर क्या होता है देखिए वॉइस ऑथेंटिकेशन कहीं किसी किसी जगह में क्या होता है कि आ, आपका वॉइस ऑथेंटिकेशन होता है वॉइस के थ्रू आपकी जो चीजें होती हैं जैसे कि अगर कोई डेटा आपको एक्सेस करना है तो उसमें आपको जो वॉइस है उसको यहाँ पर ट्रांस उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है तो ये जो सिक्योरिटी का आपका बहुत बड़ा इशू आ जाता है तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं सिक्योरिटी को ब्रेक किया जा सकता है यहाँ पर जो बायसनेस है उसको यहाँ पर शो किया जा सकता है बायसनेस का मतलब आप कैसे कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पर कोई डेटा है किसी भी जैसे कि एक्स वाई जेड है इस पर्टिकुलर चीज का हमें क्या चाहिए डेटा चाहिए बट जिस जो पर्सन यहाँ पर जिसने इस एल्गोरिथम को यहाँ पे प्रिपेयर किया है बट जैसे कि हम गूगल में जाते हैं हमने गूगल में सर्च किया किसके बारे में कि यहाँ पर कौन से बहुत अच्छे पेन हमें मिलते हैं ठीक है कि हमें यहाँ पे सबसे अच्छे पेन किस कंपनी के मिलते हैं अब जैसे कि यहाँ पर जो एक दो कंपनी है जिन्होंने अपने पेन के बारे में बता दिए और अपने पेन के बारे में उन्होंने सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही लिखी अब उन्होंने जो एल्गोरिथम प्रिपेयर किया उसमें उस पेन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी कुछ भी जो गलत चीजें होती हैं वो नहीं लिखी तो हम सिर्फ उसी चीज का एक्सेस कर पाएंगे अब जो इसमें गलत चीजें उस चीज का हम क्या कर पाएंगे एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है बायसनेस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप चीजें ले सकते हैं हमारे इंटरनेशनल स्पेयर में इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो हम क्या करते हैं हमारी जो चीजें होती उसको अच्छा ही करने की कोशिश करते है ना तो यहाँ पर क्या होता है आपका बायसनेस हमें यहाँ पर पेश करने को मिल सकता है ठीक है अब इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने देख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें क्या करना होगा पर हमारी जो हर एक मतलब कि कुछ जो पॉजिटिव्स हैं अगर हम इनका पॉजिटिव्स गेन करना है है ना जो टारगेट्स हैं हमें इसको अच्छे से बनाकर इसको अचीव करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए हम किसी दूसरी कंट्री पर यहाँ पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि हम क्या करें वो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें उसके बाद हम क्या करें यहाँ पर फर्दर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है हम वो आगे बढ़े तो हम यहाँ पर देखेंगे मिटिगेशन द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम ए आई शुड बी ग्लोबल प्रायोरिटी अलॉन्ग साइड अदर सोसाइटल स्केल रिस्क सच एस पेंडेमिक एंड न्यूक्लियर वॉर तो यहाँ पर जो देखिये आपके जो एक्सटेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यहाँ पर एक्सटेंशन ना हो उसको मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे ग्लोबल प्रायोरिटी की जरूरत है हमें यहाँ पे सबको साथ में आना होगा जिससे कि हम क्या कर सके जैसे कि पेंडेमिक है न्यूक्लियर वॉर है इस तरीके के जो रिस्क है उसको साथ हम आ, क्या कर सके हम मिटिगेट कर सके अब देखिए लास्ट में ये जो लाइन है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है इसको आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं ये किसी भी आप क्या कर सकते हैं आंसर में आप इसको कोट कर सकते हैं क्या है लाइन ये इन एक्शन इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन मतलब कि इन एक्शन क्या है कोई भी एक ऑप्शन नहीं है मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज आ रही है। जैसे कि रशिया यूक्रेन यहाँ पर वॉर चल रहा है तो यहाँ पर कोई भी स्टैंड ना लेना ये कोई हमारा एक्शन नहीं है मतलब हम कोई एक्शन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो ये जो एक्शन है आपका जो इनएक्शन है वो कोई भी आपका क्या ऑप्शन नहीं है मतलब आप कोई काम ना करें ये कोई ऑप्शन नहीं है आपको कुछ ना कुछ स्टैंड वहां पर लेना पड़ेगा जैसे कि हम बात करते हैं किसकी क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर किसकी बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की तो क्लाइमेट चेंज की ठीक है हम बात तो कर रहे हैं बट इसमें हम कोई एक्शन ना लें तो ये कोई ऑप्शन नहीं है आपको यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ेगा ठीक है तो अब इसी की बात हो रही कि इसकी की तरफ आगे बढ़ना है, करना है तो हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी हम क्या कर सकते इस फील्ड में आगे बस, आ, मतलब आगे बढ़ सकते हैं तो मतलब एक्शन क्या है कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल ट्रेड हैज कार्बन प्रॉब्लम अब यहां पर क्या है आपका जो सी बी एम है सी बी एम क्या है कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट सॉरी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये किसकी पॉलिसी है आपकी ये यूरोपियन यूनियन एक पॉलिसी लेकर आया सी बी एम कार्बन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक तरीके से आप इसको क्या कहते हैं कार्बन टैक्स कहते हैं क्या कहते हैं हम इसे कार्बन टैक्स ये 2026 से क्या किया जाएगा इंप्लीमेंट किया जाएगा अब कार्बन टैक्स ये क्यों लेकर आया देखिए हमने इसको इसको भी डिस्कस किया था एक बार हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं 2005 में क्या होता है जो यूरोपियन यूनियन होता है वो अपनी पॉलिसी में यहाँ पे चेंजेस करते हैं उन्होंने कहा कि हमें का, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका जो एमिशन है उसको कम करना है ग्रीन हाउस गैसेस का क्या करना है हमें एमिशन करना है कम तो इसके लिए वो एक पॉलिसी लेकर आते हैं उस पॉलिसी का नाम क्या होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है इसका नाम एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अब इस सिस्टम में एक्चुअली ये होता है कि हमें क्या करना है जैसे कि उन्होंने अपनी जो स्टेट की पॉलिसी है टेरिटोरियल जो पॉलिसीज हैं वहाँ के जो लॉज है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए स्ट्रिक्निंग यहाँ पे लॉ कर दिए मतलब जो एमिशन है हमें कम करना है और एमिशन करेंगे भी आप तो यहां पर आप जो रिन्यबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं क्लीन एनर्जी जो रिसोर्सेस हैं इनका यूज करके क्या कर सकते हैं

कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है तो देखिए कार्बन ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर दो पर्टिकुलर कंपनी है या ए हो गई और दूसरी यहाँ पर बी हो गई ए को यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक गैप लगा दिया गया कि आप ना यहाँ पे हंड्रेड जो यूनिट कार्बन है उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर एमिट कर सकते हैं दोनों कंपनीज को यहाँ पे क्या बोला कि हंड्रेड हंड्रेड यूनिट्स आप कार्बन का एमिशन यहां पर कर सकते हैं ठीक है अब ये जो ए कंपनी है इसने क्या किया वन ट्वेंटी यूनिट कार्बन का एमिशन कर दिया कितना वन ट्वेंटी यूनिट्स का और बी कंपनी ने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया सारी चीजें करी जिसके कारण उसका जो कार्बन का एमिशन है वो कम हुआ उन्होंने मान लीजिए सेवेंटी जो यूनिट्स है उतना ही क्या किया कार्बन का एमिशन किया अब यहाँ पर कार्बन का कैप लगा है क्या कि आप 100 यूनिट से ज्यादा यहाँ पर क्या कर सकते हैं कार्बन का एमिशन नहीं कर सकते हैं तो इस केस में क्या होगा कार्बन ट्रेडिंग में आपका क्या आ जाता है तो ये जो पर्टिकुलर ए कंपनी है वो क्या करेगी मार्केट में घूमेगी और ये देखेगी कि, किस कंपनी की जो कार्बन एमिशन की यूनिट है वो कम है और वहां से वो क्या कर लेगी जो कुछ यूनिट्स है उसको कार्बन यूनिट्स को परचेस कर लेगी तो ये आपका क्या होता है कार्बन ट्रेडिंग होती है ठीक है तो हमने ये कार्बन ट्रेडिंग देख ली अब कार्बन का एमिशन किन प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा होता है जैसे कि आप देखते हैं स्टील का स्टील हो गया एल्यूमिनियम हो गया आयरन हो गया यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स हैं तो इनका जो प्रोडक्शन होता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है कार्बन का आपका एमिशन होता है इसी के चलते अब कार्बन के एमिशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग लॉ लेकर आ रहे हैं मतलब कि एक तरीके से रिजिड लॉ लेकर आया जा रहा है जिससे हम क्या कर सकें कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसका एमिशन हम क्या करें कम करें ठीक है अब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद अब क्या हो रहा है क्या लेकर आ रहे हैं देखिए अब किसी भी लैंड में जैसे कि यूरोपियन यूनियन है आपका यूरोप है यहाँ पर आपकी बहुत ही स्ट्रिकनें पॉलिसी है बहुत ही रिजल्ट पॉलिसी है किसको लेकर कार्बन को एमिशन के लेके ठीक है तो इस पर क्या होता है जो आपका डोमेस्टिक मार्केट होता है वहां पे जो स्टील है आयरन है और आपका जो फर्टिलाइजर्स हैं एल्यूमिनियम है इसका जो प्राइस होगा कैसा होगा कॉस्ट यहाँ पर कैसा होगा हाई होगा कॉस्ट जब हाई होगा अब जैसे दूसरा लैंड है यहाँ पर इंडिया होगा इंडिया में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है इतने स्ट्रांग लॉज नहीं है कार्बन के एमिशन को लेकर तो यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा होगा स्टील एल्यूमिनियम का तो उनका जो प्राइस होगा उसका जो कॉस्ट होगा कैसा होगा कम होगा अब देखिए किसी एक कंट्री में जब आ, किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो प्राइस कम होता है और कहीं पर इसका प्राइस ज्यादा होता है तो जहां पर प्राइस कम होता है तो वहां से क्या होता है यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है क्या होता है यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है ठीक है तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात कर ली तो इंडिया से बहुत ज्यादा क्या होता है स्टील एल्यूमिनियम जो आयरन होता है इसका एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन यूनियन में ठीक है अब यहां पर अब क्या हुआ यूरोपियन यूनियन ने कहा कि देखिए अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक तरीके से क्या हो रहा है आपका मतलब आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है उस पर यहाँ पे नुकसान हो रहा है आपका जो मतलब डोमेस्टिक मार्केट है उसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है इसलिए यहाँ पर अब यूरोपियन यूनियन क्या लेकर आई कार्बन टैक्स लेकर आई है उन्होंने ये कहा कि हमारा जो अल्टीमेट एम क्या है कार्बन के एमिशन को कम करना ग्रीन हाउस गैसेस उसका जो एमिशन है उसे कम करना है अब चाहे वो हमारे लैंड में हो या फिर दूसरी लैंड में हो यहाँ पे कार्बन का एमिशन तो हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे वो प्रोडक्ट जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा होता है उस पर क्या करेंगे टैक्स लगाएंगे इसी के चलते इंडिया ने कहा अब जो इंडिया जैसी कम नेशंस है उनके लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही उन्होंने कहा कि हम डब्ल्यू जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे क्लेम करेंगे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है तो डब्ल्यू डब्ल्यू टी में जाया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लॉ इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पर यह कहा कि जो डब्ल्यू का एक लॉ है क्या ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी कंट्री के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में उसका ओरिजिन हो रहा हो उसको एक जैसा क्या किया जाएगा ट्रीट किया जाएगा अब देखिए इंडिया यहाँ पे डब्ल्यू जाने वाला है बट यहाँ पर देखिए डब्ल्यू में कुछ आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं क्या एक्सेप्शन है तो जो यूरोपियन uh, यूनियन का ये जो नया लॉ आया है सीबीएम ठीक है सी बी ए एम ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पर नहीं क्लेम किया जा सकता इसको किसके अंडर जस्टिफाई किया जा सकता है, किस जा सकता है? यू किसके अंडर जस्टिफाई कर सकता है जनरल एक्सेप्शन क्लॉज एक्सेप्शन क्लॉज गिवन इन आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरि एंड ट्रेड तो आपका जो डब्ल्यू टू ए है उसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं एक एग्रीमेंट्स कौन सा आपका गेट जर्नल एग्रीमेंट ऑन टेरिप्स एंड ट्रेड इसके अंडर आपका आर्टिकल ट्वेंटी है वो आर्टिकल ट्वेंटी यहाँ पर क्या कहता है कि आप कोई ऐसा लॉ लेकर आ रहे हैं मतलब कि कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कोई ऐसा लॉ लेकर आए हैं जिसमें आप क्या करना चाहते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो नेचुरल रिसोर्सिस का जिसका एग्जॉस्टिबल हो रहा है उसको आप कंजर्व करना चाहते हैं तो इस केस पर आप कोई भी अपने लिए मतलब कि अपने टेरिटरी में आपके डोमेस्टिक मार्केट में आप पॉलिसी को लेकर आ सकते हैं उसे उसे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा तो इस बेसिस पर मतलब ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया जा सकता है अब देखते हैं फर्दर यहाँ पर आगे चीजें कैसी होती हैं तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है डब्ल्यू के अंदर क्या जाने वाला है इंडिया जाने वाला है और यहां पर जो ये यूरोपियन यूनियन की यहाँ पे जो पॉलिसी आई है अभी न्यू न्यू कार्बन टैक्स का यहाँ पर आया है उसको यहाँ पर कर, क्या करने वाला है उसके खिलाफ जाने वाला है ठीक है और यहाँ पर यू की एक जो कॉन्सेप्ट है हमने पे आर्टिकल 20 की बात करी गेट के अंदर तो यहाँ पर ये ऑब्लिक करता है परमिट करता है हर एक कंट्री को तो इस ग्राउंड पे क्या किया जा सकता है इसको नकारा भी जा सकता है अब फर्दर हम देखते हैं इसमें सारी चीजें क्या आती हैं अब इंडिया इतना ज्यादा वो क्यों है क्योंकि हम यहाँ पे स्टील का एक्सपोर्ट करते हैं आयरन का एल्यूमियम का फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कहा यूरोपियन यूनियन में ओके okay, अब देखिए डब्ल्यू के बारे में हम कुछ देख लेते हैं ये क्या आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 1995 में इसे क्या किया गया था इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ओके इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं गेट के अंदर क्या क्या है ये एक लेग्ड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है गेट बाय इट वाज ओनली द सेट ऑफ रूल्स एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ये क्या है एक मल्टी आपका एग्रीमेंट है प्रिंसिपल्स की बात करते हैं क्या क्या है प्रिंसिपल्स है नॉन डिस्क्रिमिनेशन रेसिप्रोसिटी बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल कमिटमेंट ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी सेफ्टी वैल्यूज तो ये क्या है हमारे कुछ प्रिंसिपल

44 क्या बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि आपका जो सिटीजन है ठीक है जितने भी पर अद... लैंड में आपका जो नेशन है पे जितने भी सिटीजन हैं और जितने भी पे रिलीजन है उनके लिए एक यूनिफाइड कोड हो यूनिफाइड कोड किन किन सब्जेक्ट्स में जैसे कि आपकी शादी का हो रहा है पे 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 मैरिज का कोई कोई कोड है है के लिए लॉ और इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो इसके लिए हम क्या करें एक यूनिफाइड सिविल कोड लेकर आए मतलब कि यहाँ पे देखिए कोड की बात हो रही है लॉ की बात नहीं हो रही है देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उससे पहले क्या था रिलीजियस आपके टेक्स थे सारी चीजें थी तो रिलीजियस के बेसिस पे क्या होता था किसकी कैसे शादी होनी है डायवर्स होना है इनहेरिटेंस का यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी किसको कितना जाना है तो ये सब किस बेसिस पर हम करते थे रिलीजन के बेसिस पे करते थे बट यहाँ पर क्या होता है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया जाता है सेक्युलरिज्म को यहाँ पर दिया जाता है तो यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए मतलब कि जो हर एक uh, रिलीजन के लिए एक uh, कोड होगा कि शादी के ये, ये प्रोविजन होंगे आपको यहाँ पे रिचुअल्स बिलीफ चेंज नहीं हो रहे हैं कि मतलब आप ऐसा शादी मत करिए इस तरीके से शादी ना करिए मतलब एक यूनिफाइड सिविल कोड हो जाएगा कि शादी में इस तरीके से आपको चीजें करनी है डायवोर्स का एक पूरी प्रोसेस हो जाएगी डायवोर्स की आपकी ये प्रोसेस होगी इनहेरिटेंस की आपकी एक पूरी कोड हो जाएगा कि आपको आ, किसी से रिलीजन से आपको हो आपको इनहेरिटेंस का कोड ऐसा होगा क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रिलीजन होते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मैरिज के वहां के प्रोविजन होते हैं डाइवर्स के अलग अलग प्रोविजन होते हैं इसलिए बात की जा रही है कि इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आया जाए बट आप सभी को पता है कि इंडिया क्या है बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और जो हमारा इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का वो किस बेसिस पर हुआ था रिलीजन के बेसिस पर हुआ था इसलिए यूनिफाइड सिविल कोड को यहाँ पर डीपीएसपी में रखा गया जिसके कारण देखिए डीपीएसपी में क्या होता है इनफोर्सिबल होता है इसको आप आ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल uh, है पर्टिकुलर यहाँ पे लॉ है इसको यहाँ पे आर्टिकल uh, है इसको यहाँ पर क्या किया गया है uh, मतलब कि इम्प्लीमेंटे uh, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो ये इनफोर्सिबल है इसलिए यहाँ पे इसको डी में रखा गया है तो मतलब इन फ्यूचर अगर कभी उस चीज की जरूरत होती तो हम उसे क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे अब देखिए यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसके फेवर में भी कुछ लोग होते हैं और उसके अगेंस्ट में भी कुछ लोग होते हैं तो इसके फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि एक तरीके से क्या होगा ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आएगा इंडिया डज नॉट हैव यूनिफॉर्मिटी इन मोस्ट क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सिविल प्रोसीजर कोड्स तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या होगा जितने भी केसेस होते हैं आपके क्रिमिनल और सिविल मैटर मेट, केसेस होते हैं वहां पर यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी जेंडर जस्टिस होगा यहाँ पर सेक्युलरिज्म को बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होगा प्रमोशन मिलेगा अ सेक्यूलर नेशन नीड अ कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन रेदर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस तो यहां

कोई भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है शरीर एक्ट जो आपका 1937 है तो उसके अंडर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आता है इट प्रोहिबिट्स मैरिज अमंग क्लोज रिलेटिव तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है कि आपकी अगर कोई क्लोज रिलेटिव है तो वहां पर आप शादी नहीं कर सकते हैं बट तो अगर आप मुस्लिम शरीय लॉ देखते हैं तो वहां पर कुछ अलग प्रोविजन है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब यही है कि हम क्या करेंगे शादी के डायवोर्स के इनहेरिटेंस की जो भी आपके लॉज है वो एक जैसे होंगे इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं आगे, की बात करते हैं तो ये कहता है प्लिटी इन ऑलरेडी कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉस यहाँ ये कहा जा रहा है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन लॉ हमारे यहाँ हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर एक नेशन है तो उसके लिए एक लॉ होना चाहिए इसलिए इसको हमें क्या करना चाहिए जो डाइवर्स पर्सनल लॉज हैं वेरियस कम्युनिटीज को तो अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि आ, अभी यहाँ पर आ, फ्रेमर्स डिड नॉट इंटेंड टोटल यूनिफॉर्मिटी जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था फ्रेमर्स जो थे यहां पर है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले उन्होंने यूनिफॉर्मिटी को इंटेंड नहीं किया था मतलब इंडिया क्या एक डाइवर्स कंट्री है तो इसकी यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको हमें क्या करना है एक तरीके से मेंटेन करना है क्यों क्योंकि वही क्या बताता है कि इंडिया क्या है डाइवर्स कंट्री एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्या करते तरीके से प्रमोट करता है ठीक है कस्टमरी लॉज की बात करते हैं मेरी ट्राइबल ग्रुप्स इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन फॉलो देयर ओन कस्टमरी लॉज अब देखिए यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है फिर भी बहुत सारे जो कोड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बट जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल हैं वो क्या करते हैं उन लॉज को भी नहीं मानते हैं उनका जो पर्सनल लॉ है उसी को क्या करते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो डिमांड फॉर फॉरि फॉर्म सिविल कोड इज कंसिडर टू बी फ्रेमड इन द कंटेक्स कम्यूनल पॉलिटिक्स अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया जाता है इवन आज के टाइम पर यह भी अभी लॉ कमीशन का एक यहाँ पर रिपोर्ट आई थी कि जो अभी टाइम है प्रेजेंट टाइम है वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब मतलब प्रॉपर टाइम नहीं है अच्छा टाइम यहाँ पर नहीं है क्यों क्योंकि एक तरीके से क्या करेगा जो कम्यूनल पॉलिटिक्स है उसको और ज्यादा ये प्रमोट करेगा आर्टिकल ट्वेंटी फाइव इट सिक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोकेट एनी रिलीजन ये हमारा जो फंडामेंटल आर्टिकल है मतलब फंडामेंटल 25 है वो क्या राइट है कि हमें, मतलब हर एक person पास क्या है right है है वो क्या कर सकता उसका जो uh, religion है, उसको प्रैक्टिस करने का और उसे प्रोपेगेट करने का तो ये इसके कुछ अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं ओके okay? तो आई होप आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसके रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी नेक्स्ट मूव करते हैं ना नेक्स्ट आर्टिकल इज यहाँ पर ओ टी टी प्लेयर सीख सेटेलाइट बैंड फॉर बेटर स्ट्रीमिंग अब जो हमारे ओटीटी प्लेयर्स हैं ओटी टी प्लेयर्स की बात करते हैं आपका नेटफ्लिक्स आ गया ठीक है अमेजोन हो गया हॉट स्टार प्लस हो गया डिजनी हॉट स्टार प्लस हो गया तो यहां पर ये किसकी डिमांड कर रहे हैं कि जैसे कि अभी हमारा जो होता है टेलीकॉम कम्युनिकेशन होता है हम लैंड के बेसिस पर यहाँ पर आपके जो वायर्स वगैरह होते हैं इससे यहां पर स्ट्रीमिंग की जाती है अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं सेटेलाइट बैंड ब्रिथ का यूज किया जाएगा हम इसके लिए यहां पर सीख कर रहे हैं जिससे हम क्या कर सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें यहां पर अच्छी से अच्छी चीजें यहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्ट

हम बात करते हैं अनलाइन टेरिटेरियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस इज कम्पलीटली शेयर रिसोर्सेस अमंग डिफरेंट सैटेलाइट ऑपरेटर्स तो जैसे कि यहाँ पेरिटेल हम टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उसी तरीके से जो हमारा सैटेलाइट है ना जो स्पेस है वो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं जो डिफरेंट सेटेलाइट ऑपरेटर्स हैं उसका भी वहां पे शेयर होता है तो देखिए एशिया वीडियो इंडस्ट्री विडियो इंडस्ट्रियलेशनशीप रीचिंग दीज कंज्यूमर्स नाउ इन द फ्यूचर रिक्वायर सेटेलाइट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो फ्यूचर में इन कंज्यूमर्स के पास अगर हमें पहुंचना है अगर हमें लास्ट माइल तक जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें यहाँ पर स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे सेटेलाइट जो बैंड विथ है इसका यूज किया जाएगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो क्या कर सके यहाँ पर पहुंच सके ओके नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट चाइना फैसिलिटेड प्रेजेंस इन इंडियन जर्नलिस्ट अब यहाँ पर जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और चाइना के जो जर्नलिस्ट हैं इनके बीच में थोड़ा यहाँ पे कंफ्लिक चल रहा है तो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री uh, है एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने चाइना से ये रिक्वेस्ट uh, किया है कि जो इंडियन जर्नलिस्ट चाइना में है तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका जो वीज़ा है उसको रिव्यू नहीं किया जा रहा है और उन्हें यहाँ पे प्रॉपर जो पब्लिक प्लेसेस हैं लोकल प्लेसेस हैं उनको वहाँ पे घूमने की आजादी नहीं मिल रही कि वो वहाँ पे जा सकें तो इन सारी चीज़ों की जो बहुत सारी जो डिफिकल्टीज़ हैं जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनको फेस करना पड़ रहा है कहाँ चाइना में तो जो हमारी एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे डिमांड करी है उन्होंने ये कहा है कि जो डिफिकल्टीज यहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट फेस कर रहे हैं लोकल यहाँ पे पीपल को यहाँ पर उनसे हायर नहीं कर पा रहे हैं उनसे यहाँ पे लोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें ये सब फैसिलिटीज हैं जो हर्डल्स हैं तो उन्हें कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज क्या की जाए प्रोवाइड की जाए ओके okay? तो नेक्स्ट मूव करते हैं नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज नो no यूक्रेन truce विदाउट रशियन पुल Blinken. ब्लिंकन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीज फायर की बात की जा रही है अब देखिए आप सभी को पता है रशिया ने बहुत सारी जो टेरेटरी है वो यूके की बहुत सारी जो टेरेटरी है उसको एक्वायर कर लिया है अब यहाँ पर जो सीज फायर की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो टाइम है सीज फायर का टाइम नहीं है अगर यहाँ पर हम सीज फायर करते हैं तो जो टेरेटरी uh, रशिया के पास आई है वो किसके पास ही रह जाएगी रशिया के पास रह जाएगी अब देखिये यहाँ पर किसी एक को क्या करना होगा पीछे हटना होगा देखिये द सीज फायर

जो ये वॉर है रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है और यहां पर देखिए चाइना भी सामने आ रहा है ब्राजील भी सामने आ रहा है कि हम क्या करेंगे पीस को स्टेब्लिश करेंगे बट स्टिल यहां पर जो यूक्रेन वॉर में चाइना की साइड से क्या हो रही है डिफिकल्टीज हो रही हैं टॉक्स को होल्ड करने की और यहां पर पीस को स्टैब्लिश नहीं किया मतलब सीज फायर के लिए कोई भी बात सामने नहीं आ रही है अब एक तरीके से ये कि सबसे पहले यहां पर रशिया को क्या करना होगा पुल आउट करना होगा जब तक रशिया पीछे नहीं हटेगा तब तक यहां पर जो सीज फायर है ये जो वॉर है कन्फ्लिक्ट है यहां पर स्टॉप नहीं होगा ओके okay? तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आई होप आपको आपको पे सारी चीजें क्लियर होंगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं तो देखिए आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आज इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन